फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में मैंने अपने टेरिस के दो पार्ट का मेकओवर का वीडियो आपको दिखाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। इस मेकओवर का खास बात यह है कि ये सब मैंने कबाड़ के जुगाड़ से किया है और सारे DIY जितना भी आपको दिखेगा ये सब मैंने खुद से बनाया है। फ्रेंड्स, ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है आज हम इसी एरिया को मेकओवर करने वाले हैं। देखिए कितना गंदा लग रहा है, तो चलिए इसका हम मेकओवर करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमने सब कुछ साफ कर दिया है झाड़ू से अच्छे से, जितना भी कचरा लगा हुआ था। इसके बाद हम प्लांट को रखने के लिए स्टैंड बनाएंगे, तो हमने ईंट रखकर उसी पे लकड़ी का तख्ता रखा है। जिनके पास स्टैंड ना हो वो इस टाइप से बिल्कुल फ्री में स्टैंड बना सकते हैं। इसके बाद हमने सारे प्लांटर को हमने इसके ऊपर रख दिया है। ये सारे प्लांटर मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं, प्लास्टिक के डब्बे और बाल्टी से। इसके बाद मेरे पास कुछ वेस्ट मटके पड़े हुए थे तो उसको मैंने ब्राउन कलर से कलर कर दिया है। और कलर करने के बाद इस पे मैंने एक्रेलिक कलर से कुछ डिजाइन बना दिया है। मैंने बहुत ही सिंपल डिजाइन इस पे बनाया है, मटके पे कोई भी बना सकता है इस टाइप से डिजाइन। और इसी टाइप से मैंने और भी, मेरे पास बहुत सारे मटके थे, उन सब पे भी मैंने ब्राउन कलर से कलर करके उस पे व्हाइट एक्रेलिक कलर से इस टाइप से डिजाइन बना लिया है। देखिए हमने, अब हम इन सबको गार्डन में डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ढक्कन रखा है प्लास्टिक का और उसी के ऊपर सबसे बड़ा वाला, फिर उसके ऊपर उससे छोटा, इसी टाइप से एक दूसरे के ऊपर रख दिया। और देखिए ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद मेरे पास कुछ और मटके थे जिनमें मैंने पर्पल हार्ट लगाया था, तो इन सबको भी हमने रेलिंग के ऊपर रख दिया है इस टाइप से। देखिए सारे मटके को मैंने एक लाइन से रख दिया है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऊपर में सब पर्पल पर्पल और नीचे ग्रीन। इसके बाद मैंने छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे में विंका के प्लांट लगाए थे, तो गमले के बीच में जो जगह बच रहा है इसमें मैंने उस सारे प्लांटर को रख दिया है। और पत्थर से मैंने इस टाइप से डेकोरेट कर दिया है, देखिए। और ये फ्रॉग मैंने वाल पुट्टी से बनाया था, इसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। इसको मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है, देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है यहाँ पे। इधर के साइड मैंने कुछ और वेस्ट मटेरियल में प्लांट लगाए हैं, देखिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी प्लांटर्स ना हो तो आप इस टाइप से प्लास्टिक के थैली में भी लगा सकते हो। देखिए कितने हेल्दी प्लांट है और कितना छोटा पॉकेट है। और यहाँ पे मैंने टूटे हुए बाल्टी थे मेरे पास प्लास्टिक के, और ये सीमेंट की बोरी थी, इसमें भी हमने देखिए प्लांट लगाया है। और ये मैंने आपको सिखाया है पिछले वीडियो में दिवाली के दिए को कलर करके ये कीड़ा बनाना, और ये मैंने बहुत सारा बना लिया, इसी से मैं गार्डन को डेकोरेट करता हूँ। इसके बाद मैं इस दीवार को डेकोरेट करूंगा, इसके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल का यूज किया है। इसको मैंने कुछ स्टेप में कट कर लिया है, देखिए। और इसको हम कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद पीछे के साइड से इस टाइप से गोल शेप में कट कर लेना है चाकू को गर्म करके गैस पे। इस बोतल को मैंने ऑयल पेंट से कलर किया है, देखिए कुछ इस टाइप से कट कर लेना है। और इसके बाद इसी टाइप से बहुत सारा बना लेना है। और देखिए इस टाइप से पीछे से लगाकर और ढक्कन लगा देंगे अंदर से, और इसी में मिट्टी भरकर हम 9 o'clock लगाएंगे इसमें। इस टाइप से आप लंबा भी बना सकते हो, जितना बोतल आप जोड़ लोगे। देखिए हमने इसी टाइप से ये बनाया है, और इसको हम यहाँ पे कील ठोकर दीवार में और इसको हैंग कर देंगे। और इसी टाइप से हमने बहुत सारा बना लिया, देखिए छोटे छोटे बोतल से भी हमने बनाया है। और इन सब में मैंने 9 o'clock लगाया है। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में इसमें जब फ्लावर खिलेंगे तब का सीन मैं दिखाऊंगा लास्ट। देखिए हमने सारे बोतल को हैंग कर दिया है दीवार पे। इसके बाद मेरे पास एक वेस्ट टायर था गाड़ी का चक्का, तो इसको भी मैंने कलर करके इसमें मिट्टी भर के इसमें मैंने 9 o'clock लगा दिया। और इसको और टायर के बीच में मैंने एक प्लाई का टुकड़ा लगाकर बीच में छोटा सा ये प्लांटर रख दिया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस पे डिजाइन मैंने एक्रेलिक कलर से बनाया है। टायर प्लांटर को मैंने ऑयल पेंट से कलर किया है। इधर के साइड भी मैंने कुछ 9 o'clock लगाया था कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में, इसे भी मैंने हैंग कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टीन का डब्बा रखा है और इसके ऊपर मैंने एक तख्ता लगा दिया, ये मैंने बांस से बनाया था, इसको यहाँ पे लगा देंगे। और ये डेविस बैकबोन का प्लांट है, इसे मैंने वेस्ट मटेरियल में ही लगाया है, देखिए। और दोनों गेट के साइड साइड से एक एक प्लांटर रख दिया है। और जो हमने यहाँ पे तख्ता लगाया है इस पे भी हमको डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए ये बुद्धा हेड जो दिख रहा है ये मैंने सीमेंट से बनाया है। इस टाइप का एक वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो बुद्धा की मूर्ति भी रख सकते हो, मैंने एक बुद्धा का मूर्ति बनाया है, उसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के नीचे वाले पार्ट को कट करके उसी को मैंने कलर कर दिया ऑयल पेंट से, और उसमें मैंने छोटे छोटे ये कैक्टस लगाए हैं, उसी से मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है, देखिए। और इसके बाद नीचे के साइड भी हमने स्टोन से कुछ डेकोरेट कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने एक भी प्लांटर अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए नहीं खरीदे हैं, सारे वेस्ट मटेरियल का भी यूज किया है। और ये मशरूम भी मैंने दिया से बनाया है, दिवाली के दिए से, इसका भी वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और इधर के साइड भी हमको डेकोरेट कर लेंगे प्लांटर को रख के। और ये सारे गमले भी मैंने खुद से ही बनाए हैं, देखिए। ये बर्तन था, इसमें भी मैंने ये प्लांट लगाया है। और ये पेंट के डब्बे हैं। आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद। ये मशरूम मैंने दिया से बनाया है कलर करके, एक्रेलिक कलर से इस पे कलर किया है मैंने। फ्रेंड्स, ये जो बगुला आपको दिख रहा है ये मैंने वाल पुट्टी से बनाया है, और इसे बनाना बहुत ही इजी है, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। आपको मेरे चैनल पे जाकर और गार्डन डेकोरेशन आइडियाज वाले प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना वहाँ से। अब हम हैंगिंग बास्केट बनाएंगे, इसके लिए भी मैंने वेस्ट मटेरियल का ही यूज किया है। मेरे पास ये प्लास्टिक का कैप था और ये
डब्बा था इस टाइप का, तो इसमें मैंने होल कर दिया है लोहे को गर्म करके और उसी में मैंने रस्सी बांध कर और उसमें मनी प्लांट लगाया है। देखिए कुछ इसी टाइप से मैंने और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल में प्लांट लगाकर इसको हैंग कर दिया है रस्सी के सहारे। इसके बाद मैंने आपको बर्ड हाउस बनाना सिखाया था वेस्ट मटेरियल से, इन सब को भी हम यहाँ पे लगा देंगे। इस सब का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप जाकर देख लेना वहाँ से। देखिए सबको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है और ये मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में कुछ 9 o'clock लगाया था, इसे हैंग कर दिया है यहाँ पे। ये जो स्टैंड दिख रहा है ये मैंने सीमेंट से बनाया, इसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और ये हिरन भी मैंने सीमेंट से ही बनाया, देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। इसके बाद इस एरिया को हम डेकोरेट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने ईंट और लकड़ी के तख्ते से हमने प्लांटर्स को रखने के लिए स्टैंड बना लिया और इसी के ऊपर सारे प्लांटर्स को हम रख देंगे। देखिए नीचे भी हमने पत्थर से डेकोरेट कर लिया है। अब हम ऊपर के साइड एक लकड़ी का तख्ता को इस टाइप से हमने लगा दिया और कांटे की हेल्प से हमने बांध दिया ऊपर में। और ये सब मैंने वेस्ट मटेरियल में छोटे छोटे कैक्टस का प्लांट लगाया था, इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है देखिए। और इसके बाद नीचे के साइड हमने बॉटल में एक मनी प्लांट लगाया था, इसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है देखिए। और नीचे के साइड जो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे हमने लकड़ी लगाकर और इसके ऊपर भी हमने ये प्लांटर रख दिए छोटे छोटे। ये सारे प्लांटर मैंने खुद से ही बनाए हैं। और नीचे के साइड जो लकड़ी दिख रहा है यहाँ पे हम पत्थर से डेकोरेट कर देंगे, कुछ इस टाइप से लगा देंगे, इससे और भी सुंदर लगने लगा। और ये जो दीवार दिख रहा है इस पर मैंने पर्पल हार्ट लगाया है, ये सारे पर्पल हार्ट मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में लगाए हैं देखिए। इसके बाद आगे की साइड जो खंभा दिख रहा है आपको बांस का, इसके चारों तरफ से हमने ये सारे प्लांटर्स को रख दिए हैं। ये सारे प्लांटर्स मैंने वेस्ट मटेरियल में ही लगाए हैं, देख लीजिए आप, इन सब से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये सारे प्लांटर कबाड़ के जुगाड़ से ही बने हैं देखिए। मेरे पास एक पुराना झूमर पड़ा हुआ था घर में, तो उसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है देखिए। और ये मनी प्लांट मैंने प्लास्टिक के थैली में लगाया है, देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं, इनको मैंने हैंग कर दिया है यहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने अपने टेरिस का मेकओवर कर लिया है, अब हम इसका फाइनल लुक देखने के लिए। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे अपने टेरिस को डेकोरेट करने के लिए। और आप लोग मेरे इस दीवार को बोलते हो कलर करवाने के लिए, तो कलर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस पर प्लास्टर करवाना है और प्लास्टर करवाने के बाद ही कलर होगा, क्योंकि अगर पहले कलर करवाएंगे तो प्लास्टर के टाइम बहुत दिक्कत होगा। तो जल्दी इसका प्लास्टर होने वाला है, जब दीवार कलर हो जाएगा उसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा। आप लोगों का एक और सवाल रहता है कि आपने जितना भी DIY बनाया है इसे आप बरसात में ऐसे ही छोड़ देते हो, तो नहीं, मैं बरसात में हटा देता हूँ इन सारे DIY को, और जब बारिश चला जाता है तो फिर मैं इन सारे क्राफ्ट को यहाँ पे रख देता हूँ। धूप में इन क्राफ्ट का कलर उड़ जाता है, इसलिए आप थोड़ा छायादार जगह पे इन सारे क्राफ्ट को रखें। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे वेस्ट मटेरियल का यूज आप कैसे कर सकते हो अपने गार्डन में। फ्रेंड्स अगर आप अपने गार्डन में इतना मेहनत कर रहे हो तो एक और छोटा सा काम कर लेना, मिट्टी के 5-5 रुपए में इस टाइप के बर्तन आपको मिल जाएंगे कुम्हार के पास से, इसमें आप कुछ चावल के दाने और पानी छत पे रख दें, इससे चिड़ियों का पेट भी भर जाएगा और चिड़िया की चहचहाहट आपके गार्डन में बनी रहेगी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।